आइए बच्चों, मैं पुनः आप लोग के बीच में मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का सेकेंड आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं, जो सत्या सर ऑनलाइन क्लासेज में के माध्यम से आप लोग के बीच में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सोशल साइंस में काफ़ी अच्छे नंबर लाएंगे और एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया गया है यह सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 100% हूबहू आएगा, इस उम्मीद के साथ आइए हमारे साथ जुड़िए। और आइए मैं लेकर के चलता हूँ सेशन का मॉडल पेपर सेकेंड सेशन का पहला क्वेश्चन जो आप लोग के बीच में है। आइए देखते हैं मॉडल पेपर सेकेंड में पहला क्वेश्चन जो है आप लोग के बीच में दिया गया है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक के बारे में हम लोग जानेंगे। यंग इटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान देंगे। गौरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबो, मैजिनी, ठीक है। इसमें आप लोग का जो आंसर है गौरीबाल्डी जो है बिल्कुल गलत है, बिस्मार्क गलत है, काबो गलत है, मैजिनी जो है सही है। तो आप लोग मैजिनी पर ट्रिक करेंगे और अपना अंक जोड़ने का काम करेंगे। आइए बच्चों, आप लोग को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः लेकर चलता हूं। नेपोलियन, सारे बच्चे लगभग मुझे उम्मीद है कि नेपोलियन का नाम अवश्य सुने होंगे। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन किस देश का था ये भी हो सकता है। तो नेपोलियन जो था आप लोग जानते हैं भली बात कि जर्मनी का नहीं था, इटली का नहीं था, यह व्यक्ति फ्रांस का था, इंग्लैंड का भी नहीं था। इसका आंसर आप लोग का सही होगा फ्रांस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में लेकर के आ रहे हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? चाहे करो या मरो का नारा किसका था? बहुत अच्छी बात, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हम लोग के बीच आकर के तमाम आंदोलन किए, देश की आजादी में तमाम हिस्से लेकर के देश को आजाद कराने में काम किए। आइए, इनको सुभाष चंद्र बोस जी, इनका नारा आप लोगों को पता ही होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चंद्रशेखर आजाद का नारा था, मैं आजाद हूँ आजाद ही रहूंगा। भगत सिंह का नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी जी का नारा था, करो या मरो। आपका आंसर कौन सा सही हो गया? महात्मा गांधी। आइए, महात्मा गांधी जी पुनः आंदोलन लेकर के हम लोग के बीच में आते हैं। विदेश से पढ़ करके जब आते हैं, आंदोलन चलाने का जो काम किया था उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब, प्रिय बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो आप लोग भली भांति जानते हैं, महात्मा गांधी जी जब विदेश से लौट करके वापस आए, इन्होंने तमाम आंदोलन चलाए। उसमें से 1920 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाया, 1927 में भी नहीं चलाया, इन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, 1935 में भी नहीं चलाया। आपका तीसरा इसमें का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक महामंदी जिसका मुख्य कारण क्या था? आप लोग भली भांति जानते हैं कि जब उत्पादन नहीं होगा किसी भी क्षेत्र में तो महामंदी आएगी, मंदी आएगी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मेरी बातों को। तो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, ये उत्पादन गलत है, यहाँ होगा कमी। कृषि क्षेत्र में उत्पादन की कमी हुई जिसके वजह से महामंदी आया था। अत्यधिक निवेश, ये बिल्कुल गलत है। बैंकों का निजीकरण, ये भी गलत है। उद्योगों की संख्या में वृद्धि, ये भी गलत है। यानी कि आपका आंसर से कृषि क्षेत्र में अधिक कमी यानी कि उत्पादन की कमी हुई 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण जो बना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग के बीच में ला रहे हैं, इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के बीच में है, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है?
प्रांति मतलब बच्चों होता है राज्य, और राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है किसके हाथों में निहित होती है, प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके हाथों में निहित होती है, इसमें इम्पोर्टेंट हमको चेक करना है, तो जिला अधिकारी के हाथों में प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो होती है सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद से मुख्यमंत्री है, उसके बाद से प्रधानमंत्री है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, जिला अधिकारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं पुनः लेकर के आप लोग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो नहीं है के ट्रिक लगाना है, कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली मिट्टी होती है आप लोग जानते ही हैं, पीली मिट्टी होती है जानते ही हैं, लेटराइट मिट्टी होती है जानते हैं, लेकिन ये सीमेंट तो मिट्टी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये नहीं पूछ रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा ये सही कौन सा होगा, नहीं है, यानी कि सीमेंट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते, आइए अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में, कपास, कपास के बारे में आप लोग जानते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, मृदा मतलब मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो आप लोग भली बात जानते हैं कपास की खेती के लिए हमको चाहिए नमी की मात्रा, किसकी मात्रा, नमी की मात्रा, तो सबसे ज्यादा नमी की मात्रा पाई जाती है काली मिट्टी, ठीक है, आपका ऑप्शन सही हो गया फर्स्ट, काली मिट्टी, यानी कि कपास की खेती के लिए आप लोग काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन हम लोग के बीच में है, सलाल बांध, कौन सा बांध, सलाल बांध किस नदी पर बना है, सलाल बांध किस नदी पर बना है, महानदी, चिनाब, सतलुज नदी, कृष्णा नदी, आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा सही है। आइए महानदी पर नहीं बना है, सतलुज पर नहीं बना है, कृष्णा पर नहीं बना है, ये बना है चिनाब, ठीक है, सलाल बांध चिनाब नदी पर, सलाल बांध चिनाब नदी पर, ठीक है। आगे आइए देखते हैं, आप देखिए नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया, यह अभियान चलाया गया टाइगरों की सुरक्षा के लिए, किसके लिए, टाइगरों के सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर अभियान लगा किस वर्ष लगाया गया जिससे कि टाइगरों की सुरक्षा की जा सके, ठीक है, टाइगर मतलब बाघों का संरक्षण के लिए यह अभियान चलाया गया। तो आइए देखते हैं हम लोग, 1989 में यह अभियान नहीं चलाया गया, 1980 में नहीं चलाया गया, 1975 में नहीं चलाया गया, यह अभियान 1973 यानी कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच में दिखाना चाहूंगा कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं, औसत आय, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कह रहा है कि औसत आय किसे कहते हैं, कुल आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सही, तो बिल्कुल इसमें से आप लोग बात हमारी समझ रहे होंगे, कुल आय से औसत आय नहीं निकाला जा सकता है, राष्ट्रीय आय से औसत आय नहीं निकाला जा सकता है, प्रति व्यक्ति आय जिससे औसत आय को आसानी से बताया जा सकता है, ये सभी गलत। आइए आगे चलते हैं, आइए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग के बीच में लेकर के आते हैं, कह रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है। इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट मॉडल के ऊपर बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, तृतीय क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल गलत है। तृतीय क्षेत्र में आप लोग इसको देखेंगे, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र जो चीजें दिया है इनमें से कोई नहीं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। आइए बच्चों तो इसमें क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है, प्राथमिक क्षेत्र में हम उत्पादन जो करते हैं इसके माध्यम से हमको रोजगार नहीं मिलता है,
द्वितीय क्षेत्र किसके बाद से आप इसमें भी रोजगार नहीं मिलता है, तृतीय में भी हमको रोजगार नहीं मिलता है, यानी कि इसमें का ऑप्शन आपका गलत सब है, लेकिन इनमें से कोई नहीं जो है ये आपका ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है, यानी कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है इनमें से कोई नहीं। आइए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच में लेकर के चलता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है, संघीय सूची जो होता है उसमें कौन सा विषय है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। संघीय सूची व्यापार बिल्कुल नहीं होता है, इसके बाद से होता है कृषि बिल्कुल नहीं होता है, शिक्षा बिल्कुल नहीं, आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आंसर होगा रक्षा, क्या है रक्षा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लेकर के आप लोग के बीच में आ रहे हैं कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, सामुदायिक गठबंधन सरकार, संघीय सरकार, एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार हमारे देश में नहीं है, गठबंधन की सरकार बनती है, लेकिन सत्ता का बंटवारा जो होता है संघीय सरकार के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है संघीय सरकार के द्वारा, सामुदायिक बिल, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लेकर के आप लोग के बीच में आते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोग के बीच में है कि निम्न में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है, संघात्मक शासन कहाँ नहीं है, भारत में संघात्मक शासन है, बेल्जियम में नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें भी नहीं है आपका संघात्मक शासन व्यवस्था, श्रीलंका में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है श्रीलंका में, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही हो गया, श्रीलंका, भारत गलत, बेल्जियम गलत, संयुक्त राज्य अमेरिका भी। आइए सबसे सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क जहाँ पर सबसे ज्यादा प्लांट्स पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा असम में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में या बांग्लादेश में, तो आइए हम लोग आप लोग भली बात जानते हैं सुंदरबन डेल्टा कितना आकर्षक जगह है, इसका आंसर सही है पश्चिम बंगाल, जो जहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन 17 नंबर आप लोग के बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, विकसित देश विकासशील देश, अविकसित देश, आइए इसको देखते हैं, ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश, इसमें सबसे विकसित देश कौन सा है, आप लोग देखेंगे कि विकसित देश जो है ब्राजील और कटमारी। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, तो ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश, तो आप लोग भलीभांति जानते हैं ब्राजील, भारत और बांग्लादेश यह देश जो है विकसित देश नहीं है, आपका आंसर सही होगा फ्रांस, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फ्रांस। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है, औपचारिक ऋण तो समृद्ध परिवार, गरीब परिवार, अमीर परिवार, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत, इनमें से कोई नहीं, समृद्ध परिवार ये भी गलत है, गरीब परिवार ये भी गलत है, क्योंकि इसके मुख्य चीजों को, इसके रूल्स को फॉलो नहीं कर पाएगा, और इसमें अमीर परिवार के लोग जो होते हैं रूल को फॉलो करते हैं, औपचारिक ऋण जो होता है, इसलिए इसका सही होगा अमीर परिवार। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम लेकर क्या रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, कृषि के क्षेत्र, मैंने आप लोग को इससे कई रिलेटेड क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो प्रारंभिक क्षेत्र जहाँ पर कृषि होती है यानी कि ये सही है, द्वितीय क्षेत्र नहीं है, तृतीय नहीं है, चतुर्थ नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा होगा प्रारंभिक क्षेत्र, जहाँ से शुरुआत होती है उत्पादन की,
नेक्स्ट आइए, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। एक बार चिन्ह से आप लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, इसको ध्यान भी देते हैं, तो उपभोग वाली वस्तुओं को बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को नहीं, सेवा वस्तुओं को नहीं, खाद्य पदार्थों में एक बार चिन्ह का हम प्रयोग ज्यादा देखते हैं और देख करके हमको किसी भी चीज को लेना चाहिए। आइए बच्चों, आज मॉडल पेपर सेकेंड का सेशन 20 क्वेश्चनों के साथ आप लोग के बीच में मैं आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भली भांति पढ़ेंगे और आपके एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाने में सहयोग करेंगे। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा।